हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम हैक। सो टुडे हमारे जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है दिल्ली सल्तनत, या जिसे हम सल्तनत पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसका ड्यूरेशन है 1206 टू 1526 एडी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एसएससी एग्जाम्स। सो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हमारी मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इससे पहले एक वीडियो इस पे मैंने अपने अपने चैनल पे डाली हुई है, जो कि है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए, ताकि आपका लिंक कनेक्ट रहे। जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मिडिवल इंडिया का जो अर्ली मिडिवल पीरियड है 1206 के अराउंड अराउंड, तब इंडिया में अरब कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे। देखिए, तो अगर हम दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड जाने तो इसमें पहले दो टाइप के भारत पे हमले हुए। देखिए, सबसे पहले हुआ था अरब कॉन्क्वेस्ट। क्या हुआ था, देखिए, अराउंड 712 एडी के अराउंड मोहम्मद कासिम, जो एक अरब इन्वेडर थे, उन्होंने भारत पर हमला किया, और इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एसएससी में, क्योंकि पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया, आप आंसर लगाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये आपके अरब कंट्रीज से आए थे, इन्होंने जो उस वक्त के सिंध के रूलर थे उसको हरा कर सिंध को जीत लिया। ओके, देखिए, अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद फिर तुर्किस, जो ये टर्की के लोग थे, इन्होंने भी भारत पर हमला किया। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एक है मोहम्मद गजनी, एक है मोहम्मद गौरी। तो चलिए एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मोहम्मद गजनी से रिलेटेड एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाते हैं। जो मोहम्मद गजनी थे, ये आप कह सकते हैं कि भारत में आक्रमण करने वाले एक लुटेरे थे, जिन्होंने भारत पर हमला किया और यहाँ पर लूटपाट की। अब देखिए, जो इसमें मैंने ये ब्लू कलर के कलर किए हुए है ना, ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये क्या कहता है कि 9th एडी आते आते जो अरब थी उनकी जो पावर थी वो टूट गई, और उसकी वजह से जो तुर्क थे उनको वो ज्यादा पावरफुल हुए। और तुर्की के ही जो राजा थे गजनी, गजनी एक जगह है वहां की, उसके राजा थे मोहम्मद। तो मोहम्मद का अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो मोहम्मद को, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े लुटेरे के रूप से में जाना जाता है, उन्होंने भारत के बहुत सारे मंदिर को लूटा। ये सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने भारत में कितनी बार लूटपाट की, तो ये 17 बार भारत को लूटने आए। इनकी कितनी रेड हुई, 17 रेड, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने, देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1001 एडी में हिंदू रूलर जयपाला को हराया, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि 1001 में मोहम्मद गजनी और किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था जयपाला। उसके बाद ये जो पीरियड है 1088 से 1009, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। क्यों, क्योंकि इस पीरियड में एक युद्ध हुआ था जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ वही हिंद। किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ वही हिंद, ठीक है। तो बैटल ऑफ वही हिंद हुई थी 1008 से 1009 एडी में, किसके बीच में हुई थी, मोहम्मद और आनंद पाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ वही हिंद 1008 टू 1009 एडी बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड आनंद पाल। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया था, बहुत फेमस है। ये पूछा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल पे किस साल में आक्रमण किया, तो ये किया 1025 एडी, और ये इनकी कौन सी रेड थी, 16th रेड, मतलब 16वीं बार जब भारत आए तब इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किया। अगर हम मोहम्मद गजनी की अगर हम बात करें कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत में आक्रमण करने का, तो उनका मुख्य उद्देश्य केवल भारत पर आक्रमण करके यहाँ की जो भी अनमोल रत्न थे उन्हें लूटना, मतलब भारत पर राज करने का इनका कोई भी ऐसा महत्वाकांक्षा नहीं थी। एक और सवाल पूछा जाता है कि
मोहम्मद गजनी के कौन कौन कंटेम्परी थे, कंटेम्परी मतलब उनके समकालीन कौन कौन लोग थे, तो एक अलबरूनी करके फेमस पोइट है वो इनके समकालीन थे। तो पूछा जाता है अलबरूनी किसके समकालीन थे, मोहम्मद गजनी के। उसके बाद जो भारत में दूसरा तुर्किस इन्वेजन हुआ वो हुआ मोहम्मद गौरी का। देखिए जब गजनी, जो मोहम्मद गजनी थे, जब ये इनकी मृत्यु हुई उसके बाद गजनी जो साम्राज्य था उसमें कोई महान योद्धा नहीं आया, तो उसकी वजह से वहां पर एक सेल्जुक अम्पायर की स्थापना हुई। किसके बाद, गजनी में, जो गजनी साम्राज्य में किस अम्पायर की स्थापना हुई, सेल्जुक अम्पायर की। लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक तुर्किस ट्राइब उभर कर आई जिसने सेल्जुक अम्पायर को हरा दिया, और उस ट्राइब, तुर्किस ट्राइब के जो आप कह सकते हैं मुख्य लीडर थे वो थे आपके मोहम्मद गौरी। तो 1173 AD में मोहम्मद गौरी गजनी जो जगह थी उसके साम्राज्य पे बैठे। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने गुजरात पर चढ़ाई की, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उन्हें जो राजस्थान के डेजर्ट से गुजरना था, तो इन्हें लगा कि ये रास्ता सही नहीं है। तो इसीलिए फिर इन्होंने क्या सोचा कि हम चलो पंजाब के रास्ते से, जो ये नीचे के स्टेट से गुजरात राजस्थान वहां पर हमला करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले लाहौर, पेशावर और सियालकोट को जीत लिया मोहम्मद गौरी। ये जीतने के बाद वो जब पंजाब से, पंजाब भी उन्होंने जीता, उसके बाद ये गंगा वैली की जो अपना यूपी वाला इलाका था इस तरफ इन्होंने जीतने के लिए इनकी सोच बढ़ी। तो उसी वक्त जो भारत में एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान, वो भी इस एरिया को जीतना चाहते थे। तो दोनों की इसी वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आपको जो मेरे लास्ट वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए, फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन 1191 AD में और सेकेंड बैटल ऑफ तारेन 1192 AD में। तो 1191 AD में तो पृथ्वीराज चौहान जीते और 1192 में मोहम्मद गौरी जीते, और जीतने के साथ ही उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। उसके बाद फिर इन्होंने 1194 में भी बैटल ऑफ चंदावर लड़ी जयचंद के साथ। ये तीनों बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है मोहम्मद गौरी के करियर की, और SSC एग्जाम में भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी 1206 AD में ये मर गए, और जब वे मरे उससे पहले उन्होंने जो भी भारत में जीता हुआ साम्राज्य था उसका अधिपत्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही अब आपकी असली दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने वाली है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ हिस्ट्री दी, अब आपकी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में पांच डायनेस्टीज थी। SSC इन डायनेस्टीज का क्या सीक्वेंस है इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये डायनेस्टीज का क्या सीक्वेंस है ये मालूम होना चाहिए। देखिए इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है शक्तिशाली, यानी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, टी से तुगलक डायनेस्टी, स से सैयद डायनेस्टी और ली से लोधी डायनेस्टी। तो ये इनका सीक्वेंस है, और ये जो डायनेस्टीज थी ये एक एक करके दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने रूल किया, और किस डायनेस्टीज में कौन सा रूलर इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आने वाली वीडियो पे आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले आती है आपकी इलबारी और स्लेव डायनेस्टी। अब इसे क्यों स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो थे जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने दोनों तीनों युद्ध लड़ लिए, फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन, सेकंड बैटल ऑफ तारेन और थर्ड बैटल ऑफ चंदावर, और जब उनकी मृत्यु होने लगी तो उन्होंने भारत पे जीता जो भी राजपाट था वो अपने एक सेवक, अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम और भी है जो कि है इलबारी डायनेस्टी, और इलबारी इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसके शासक थे सारे अधिकतर ऐबक को छोड़ के वो इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कि एक टर्की की एक ट्राइब है। सबसे पहले आते हैं स्लेव डायनेस्टी के पहले जो स्थापक ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, और वो इतने मतलब अच्छे थे या उनमें इतनी काबिलियत थी कि मोहम्मद गौरी ने उन्हें जो भारत में जीता हुआ राज्य था उसका शासक बना दिया। अगर हम बात करें तो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी कैपिटल बनाई वो पहले लाहौर बनाया, उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर दी। अब ये जो तीन कलर्ड किए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम से। सबसे पहले देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्हें लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। लाल बख्श क्यों? क्योंकि वो बहुत ही दयावान थे या फिर बहुत ही उनका दिल बड़ा था, तो उन्हें लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। दूसरा, उन्होंने कुतुब मीनार जो आप दिल्ली में देखते हैं, कुतुब मीनार बहुत बड़ा कुतुब मीनार है इस टाइप में, वो जो उसकी शुरुआत थी बनाने की वो की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसलिए उसका नाम कुतुब मीनार भी है। अब क्यों इन्होंने कुतुब मीनार बनाया? क्योंकि एक सूफी सेंट थे, मतलब सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये नाम आपको याद करना है। पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किस संत या किस सूफी सेंट के याद में बनाया गया है, तो यह है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी मृत्यु का कारण क्या था? कि वो पोलो पोलो को उस टाइम कहते थे चौगान। पोलो आपने एक खेल देखा होगा जिसमें घोड़े के ऊपर बैठ के एक गेंद को एक स्टिक से मारते हैं, तो ये पोलो खेलते खेलते इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो नीचे वाले तीन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक से आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो। देखिए कुतुबुद्दीन के बाद जो बड़े शासक आई सिलेब डायनेस्टी के वो थे इल्तुतमिश। देखिए कुतुबुद्दीन के एकदम बिल्कुल बाद इल्तुतमिश नहीं आए, उसके बाद आए थे आराम बख्श, लेकिन उन्हें हराकर इल्तुतमिश गद्दी पे बैठे। अगर हम बात करें तो वो बहुत ही जो इल्तुतमिश थे वो बहुत ही मतलब अच्छे शासक थे, और इसीलिए उन्हें रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, हु इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? आप आंसर लगाएंगे इल्तुतमिश। उन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई? लाहौर बनाई। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली बनाई लाहौर की जगह। उसके बाद इन्होंने देखिए एक बहुत अच्छा काम इन्होंने क्या किया, जो आपने चंगेज खान का नाम सुना होगा, चंगेज खान ये एक मंगोलियन इन्वेडर थे, तो जो बहुत ही खुकार माने जाते हैं, तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के कहर से बचाया। कैसे? क्योंकि चंगेज खान एक ख्वाजिम शाह करके एक व्यक्ति का पीछा कर रहे थे, तो जब ख्वाजिम खान शाह ने इल्तुतमिश से शरण मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, और जब उन्होंने मना किया तो इस कारण आप कह सकते हैं कि उन्होंने चंगेज खान से दुश्मनी मोल नहीं ली। ओके, ये चीज इन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट करवाई। देखिए इन्होंने क्या करा है कि जो दिल्ली सल्तनत थी ना, उन्होंने इसे जो बगदाद के खलीफा थे जिन्हें हम खलीफट्स भी कहते हैं, आप एक हिसाब से इन्हें मान सकते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य जितने भी दुनिया में हुए होंगे उनमें जो सबसे बड़े माने गए वो बगदाद के खलीफा माने गए, तो उन्होंने उनसे अपनी जो सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत उसे एक मतलब नवाज दिया। उन्होंने कह दिया कि हमारी जो सल्तनत है वो भी आप ही का एक हिस्सा है, तो इन्होंने जो खलीफा बगदाद से अपनी सल्तनत को मंजूरी दिला दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कुतुब मीनार की बनाना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका काम पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक स्लेव डायनेस्टी चलेगी तब तक आप चालीसा का नाम सुनेंगे, तो चालीसा की जो शुरुआत करवाई वो करवाई आपके इल्तुतमिश ने। देखिए चालीसा क्या है? चालीसा आप एक हिसाब से मान सकते हैं कि 40 लोगों की एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप अभी के हिसाब से आप मान लीजिए कि कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं होती, जैसे बहुत विभिन्न विभिन्न कैबिनेट होती है, तो उसी टाइम इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 गुलामों की एक बहुत पावरफुल एक कमिटी जैसे फॉर्म करते जिसे हम चालीसा के नाम से जानते हैं। चालीसा आप देखेंगे कि बहुत पावरफुल होती गई समय के साथ साथ। उसके बाद इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट करवाया दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इक्ता सिस्टम क्या था? एक टैक्स कलेक्शन का एक तरीका था। आप देखिए याद करने का तरीका इल्तुमुस आई इक्ता में भी आई आता है, तो इक्ता वाला इंपॉर्टेंट है। इल्तुमुस ने इक्ता जो मेथड था टैक्सेशन का वो स्टार्ट करवाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सिल्वर के कॉइन्स और कॉपर के कॉइन्स स्टार्ट करवाए। सिल्वर वाले को टंका कहते थे, कॉपर वाले को जितल कहते थे। उसके साथ ही साथ इल्तुमुस को फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। तो देखिए इस वाले स्लाइड में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद देखिए जो गद्दी पे बैठे वो बैठे रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन इतने महान शासक नहीं थे,
और इल्तुतमिश भी चाहते थे कि रुकुद्दीन गद्दी पे ना बैठे बल्कि उनकी बेटी रजिया बैठे। तो यही हुआ, रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी रुकुद्दीन को हटा के। रजिया सुल्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत की पहली और एकदम आखिरी मुस्लिम रूलर थी मिडिवल इंडिया की। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है, हु इज द फर्स्ट विमेन मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो महिला मुस्लिम कौन थी? राजा रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिया सुल्तान। बाकी देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूं कि क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि इल्तुतमिश ने चालीसा की फॉर्म की थी, तो धीरे धीरे जो रजिया सुल्तान की पॉपुलैरिटी थी जो चालीसाज में थी वो कम होती गई। एक कारण तो ये कि वो महिलाएं थी, वो महिला थी तो ऑब्वियसली बात है जो उस टाइम पुरुष प्रधान समाज रहा होगा तो उन्हें ये गवारा नहीं हुआ होगा कि वो किसी महिला के अंदर काम करे। दूसरा, उन्होंने एक स्लेव थे अबेसियन स्लेव याकूत, उसको बहुत सपोर्ट किया, तो इससे भी बाकी जो चालीसा वाले थे वो चिढ़ गए। फिर भी रजिया सुल्तान ने बहुत सारे युद्ध लड़े, उन्होंने मुल्तान, बदवान, लाहौर, यहाँ सब पे भी उन्हें युद्ध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ वालों ने उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। उसके बाद अल्तुनिया के जो गवर्नर थे उन्होंने रजिया सुल्तान के जो बहुत ही खास स्लेव थे याकूत, उसकी हत्या कर दी, और फिर उसके बाद उन्होंने रजिया से शादी कर ली। रजिया सुल्तान की जो मृत्यु थी वो 1240 एडी में हो गई कैताल में। तो अगर मेन चीज आपको याद रखनी तो ये याद रखते हैं कि वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी में देखिए बहुत ही कमजोर शासक आए, एक आए बहराम शाह। ठीक है, तो ये इनका बेसिक लिखा हुआ है कि वो इल्तुतमिश के ही बेटे थे और वे मतलब एक अच्छे शासक नहीं थे, उन्हें केवल राजगद्दी पे बिठाया गया था। ठीक है, वैसे ही मसूद शाह है जो कि रकनुद्दीन के बेटे थे। ठीक है, और उन्हें क्या किया, उन्हें बलबान ने हटा दिया। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद आए लास्ट में। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि नसीरुद्दीन मोहम्मद को दरवेशी किंग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये याद रखना है आपको, नसीरुद्दीन मोहम्मद इन्हें दरवेशी किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पीएस पीएस मतलब होली पवित्र आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे नसरुद्दीन मोहम्मद। तो देखिए आपको इतना याद रखना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखिए आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत वाइड है, तो आपको जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी आप कह सकते हैं आखिरी आप मोस्ट पावरफुल जो लास्ट रूलर में से एक थे वो थे गियासुद्दीन बलबान। जो बलबान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्तुतमिश फैमिली के जितने भी शासक जो अपने इससे पहले देखे ना उन्हें खत्म करके ये खुद गद्दी पे आके बैठे। अब इन्होंने क्या किया, देखिए जो बलबान थे ना वो खुद चालीसा जो आपने मैंने बताया ना चालीसा इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी उसी के एक मेंबर थे, लेकिन फिर भी ये समझ गए थे कि चालीसा की वजह से बहुत विद्रोह होते हैं, मतलब अंदर या अंदर जो चालीसा है वो षड्यंत्र रचती है राजा के खिलाफ, तो इन्होंने चालीसा की जो पावर है उसे खत्म कर दिया। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि चालीसा किसने खत्म की, आप आंसर लगाएंगे गियासुद्दीन बलबान। बात करते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी रखी और उन्होंने एक अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट फॉर्म किया जिसका नाम है दीवाने अर्ज। ओके, ये पूछा जा सकता है कि दीवाने अर्ज क्या था, तो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, मतलब बहुत ही क्रूर इन्होंने नीतियां अपनाई, तो इन्हीं की पॉलिसी को कहा जाता है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। पूछा जाए किसने यूज किया, तो गियासुद्दीन बलबान। उन्होंने एक फेस्टिवल नवरोज की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को क्या कहा कि मैं धरती में भगवान का अवतार हूँ, गॉड ऑन द अर्थ। ठीक है, और इन्होंने क्या टाइटल लिया, जिल्ले इलाही। देखिए आप आगे आप पढ़ेंगे कि जो अकबर थे उन्होंने भी जिल्ले इलाही का टाइटल लिया, लेकिन जो पहला जिल्ले इलाही का टाइटल लिया जिसका मतलब होता है भगवान की छाया, वो किसने लिया, गियासुद्दीन बलबान। उसके बाद इन्होंने दो इंपॉर्टेंट पर्सियन एटिकेट्स मतलब पर्सियन अच्छी आदतें, जो एटिकेट्स का मतलब होता है आदतें। ठीक है, इन्होंने दो पर्सियन एटिकेट स्टार्ट किए, एक तो सिजदा और पैबूज। ये क्या थे, इसके अंतर्गत आपको राजा को पूरा सम्मान देना होता था, जैसे आपको उनके पैर छूने हैं या उनके पैरों पे
21 करनी है। तो ये सिद्धार्थ बैबोज किसने स्टार्ट किया? ग्यासुद्दीन बलबान। जो ग्यासुद्दीन बलबान थे उन्होंने अमीर खुसरो का भी बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये मेन मेन चीजें हैं ग्यासुद्दीन बलबान से। इसके बाद जो इसके आखिरी शासक आते हैं सिलीव डायनेस्टी के, वो है कैकुबाद। जो कैकुबाद थे ये बलबान के ही पोते थे जिन्हें फखरुद्दीन ने गद्दी पे बिठाया। लेकिन इसके बाद जो खिलजी रूलर्स थे, खिलजी रूलर्स, उन्होंने कैकुबाद को मार दिया और वहीं पर स्लेव डायनेस्टी का अंत हो गया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि स्लेव डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई, तो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कैकुबाद तक। और इसमें मेन मेन रूलर कौन थे आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और ग्यासुद्दीन बलबान। तो ये इन तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस एक रजिया सुल्तान। तो चार बहुत इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी के। तो ये मैंने आपके स्लेव डायनेस्टी खत्म कर दी। आगे देखते हैं हम खिलजी डायनेस्टी। देखिए खिलजी डायनेस्टी का रूल था 1292-1320। जो खिलजी डायनेस्टी थी इसके जो स्टार्ट की ये की जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने बलबान के जो बाद के जो अच्छे शासक नहीं थे बलबान के बाद, उन्हें हरा कर इन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की। तो फिर खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले थे जलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि मैंने बताया कि जलाउद्दीन खिलजी ने जो आखिरी स्लेव डायनेस्टी के शासक थे कैकुबाद, उसे हरा कर ये गद्दी पे बैठे। तो जलाउद्दीन खिलजी ऐसे पहले शासक थे जिन्हें ये समझ आ गया था कि अगर इन्हें भारत पे राज करना है तो इन्हें उन लोगों का सपोर्ट चाहिए जिन पे वो राज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के हिंदू लोगों का। तो इससे इन्हें एक बात समझ आ गई कि भारत एक इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन हिंदू लोग भी हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई उसे कहा जाता है पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट। मतलब ये एक हिसाब से ये बहुत ही नरम शासक थे जिन्होंने कोई हार्श पॉलिसी नहीं अपनाई। इन्होंने जो मेन इनके वक्त में जो काम हुआ वो ये हुआ कि इनके जो भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने देवगिरी पे आक्रमण किया और इन्होंने जो अपनी बेटी थी उलुग खान, उसकी शादी इन्होंने अपने जो चंगेज खान के जो डिसेंडेंट्स थे उससे इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई, ताकि इन्हें चंगेज खान का थोड़ा सा मतलब उसके अच्छे गुडविल में आए। इसके बाद आएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी। आप जैसा देखते हैं सबने मूवी देखी हुई है अलाउद्दीन खिलजी। ये आपके रणबीर ने इसका रोल किया था और ये है मलिक कफूर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है जलाउद्दीन खिलजी के बाद जो हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ने वाले हैं। तो आप ये मूवी को थोड़ा थोड़ा याद रखना तो आपको ये याद करने में आसान रहेगा। तो मैंने जैसे बताया अलाउद्दीन खिलजी जो मूवी थी पद्मावत, उसमें आपने इन्हें देखा होगा। आपने देखा था उसमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो फादर इन लॉ थे जलाउद्दीन खिलजी, उनकी हत्या की। ये आपने देखा ही है मूवी में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुजरात में युद्ध किया और गुजरात में इन्होंने युद्ध जीता और वहां के जो राजा थे उनकी पत्नी कमला देवी से शादी की और वहां उन्हें एक गुलाम मिला जिसका नाम है मलिक कफूर, ठीक है। मलिक कफूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, खासकर अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। उसके बाद इन्होंने रणथंभौर चित्तौड़ मालवा पे भी जीत हासिल की, जैसा कि आपने मूवी में देखा चित्तौड़ में इन्होंने राणा रतन सिंह को हराया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर के साथ इन्होंने यादव और होयसलाज को डेकन्स में हराया। मलिक कफूर को फिर इन्होंने साउथ में भेजा ताकि वहां की टेरिटरी को भी ये जीत सके। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी थी इनकी जो साम्राज्य था, आप ये मान लीजिए कि रामेश्वरम जो कि केरला में है वहां तक इनके आर्मी के लोग पहुंच गए थे और उन्होंने रामेश्वरम में एक मस्जिद एक मॉस्क्यू बनवाया। तो देखिए इससे क्या पता लगता है, जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना वो मतलब पूरे भारत को जीतने का इनका सपना था, तभी इन्होंने भारत में इतने सारे युद्ध लड़े। और इसी कारण ना, क्योंकि इन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े, इन्हें सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से किसे जाना जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। अगर हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो देखिए ये ऐसे पहले सुल्तान थे जिनके पास एक हमेशा एक परमानेंट आर्मी रहती थी। वो अपने जो सोल्जर्स थे उन्हें कैश में पैसा देते थे। उन्होंने
जो अलाउद्दीन थे उन्हें समझ आ गया था कि जो नोबल्स हैं, जो मतलब दरबार में मंत्री जो होते हैं, वो बहुत षड्यंत्र करते थे, इसीलिए उन्होंने नोबल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्डिनेंसेस निकाले थे। उन्होंने वाइन पीना, दारू पीना और इंटॉक्सिकेशन मना कर रखा था। उन्होंने ये कहा कि जो उनके मंत्री हैं वो सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे और ना ही आपस इंटर मैरिज, मतलब एक मंत्री दूसरे मंत्री के घर में शादी नहीं करेगा, ताकि मंत्रियों में कोई आपस में कुछ ऐसा, कोई अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ आक्रमण के कुछ योजनाएं ना बना सके ऐसे लोग। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक इम्पोर्टेंट काम किया है कि उन्होंने दाग, जिसका मतलब था घोड़ों की ब्रांडिंग, घोड़ों की ब्रांडिंग मतलब कौन सा घोड़ा किस नस्ल का है और उसकी वैरायटी के हिसाब से उनका अंगीकरण किया जाता था। तो ये जो दाग और चेहरा, ये दो पॉलिसीज है। दाग में होती थी घोड़ों की ब्रांडिंग, मतलब जो घोड़ा जिस क्वालिटी का होगा उसे वैसा एक दाग लगेगा। और चेहरा क्या होता था कि कोई भी सोल्जर होगा उनकी सेना में, तो उसका पूरा चिट्ठा रखा जाएगा कि वो कहाँ से आया हुआ है, क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉलिसी दाग और चेहरा की किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आता है इनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन्होंने टैक्सेशन को मतलब बहुत अच्छे तरीके से टैक्सेशन दिल्ली सल्तनत में लाए, क्योंकि उससे पहले टैक्सेशन दिल्ली सल्तनत में कोई ऑर्गेनाइज नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, देखिए जो भी कल्टीवेबल लैंड थी दिल्ली सल्तनत के अंदर उन्हें फिक्स कर दी और उन्हें मेजर किया, जिसे बिस्वा करके, मेजर जो मेजरमेंट का जो तरीका था उसे बिस्वा बोला। और इन्होंने क्या कहा कि जो भी कल्टीवेबल लैंड होगी उसका, जो भी उसमें से प्रोड्यूस होगा उसका आधा हिस्सा जो अलाउद्दीन खिलजी की गवर्नमेंट को जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक स्पेशल पोस्ट निकाली मुश्तक राजा, जिसका काम ही रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेवेन्यू कलेक्शन की जो पोस्ट थी मुश्तक राजा, वो किसने स्टार्ट की थी? तो आप लाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए, जैसे कि अलाई फोर्ट, ओके। उसके बाद इन्होंने जो एक मेन काम करवाया, इन्होंने कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है जिसे अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है, वो बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है वो किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इन्होंने 1000 पिलर्स की एक बिल्डिंग, 1000 सितून बनाई, जो कि हौज खास में है। उसके बाद इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी ना, वो सिरी में रखी, ओके। और इन्होंने सिकंदरे साहनी का टाइटल लिया, ठीक है। सिकंदरे साहनी याद करने का तरीका, देखिए मैंने आपको बताया ना कि इन्हें दूसरा अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, तो सिकंदर अलेक्जेंडर का ये नाम था ना, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि इन्हें सेकेंड अलेक्जेंडर मतलब दूसरे अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। ये पहले ऐसे तुर्की सुल्तान थे जिन्होंने धर्म और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, ठीक है। साथ ही इन्होंने ये कहा कि किंगशिप नोज नो किनशिप, इन्होंने कहा कि जो राजा है उसके लिए उसके रिश्तेदार मायने नहीं रखते, राजा के लिए उसके रिश्तेदार मायने नहीं रखते, उस व्यक्ति जैसे अलाउद्दीन खिलजी के लिए उसके रिश्तेदार मायने रखते होंगे, लेकिन अगर अलाउद्दीन खिलजी राजा है तो उस राजा के लिए कोई भी रिश्तेदार मायने नहीं रखता। तो इसलिए इस पॉलिसी को कहा जाता है किंगशिप नोज नो किनशिप। उसके बाद इन्होंने अपनी जो इनकी कोर्ट थी उसमें अमीर खुसरो जैसे बड़े कवि को रखा। तो पूछा जाएगा अमीर खुसरो किसके कोर्ट पोएट थे? तो आप आंसर लगाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। याद करने का तरीका, अलाउद्दीन खिलजी में ए, अमीर खुसरो में ए, ओके। अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखिए मैंने आपको मलिक कफूर बताया था, जिसे 1000 दिनारी, 1000 दिनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुलाम थे और ऐसा माना जाता है कि जो इनकी वैल्यू थी ये 1000 दिनार मतलब 1000 सोने के सिक्के के बराबर रही। तो उसके बाद मलिक कफूर बैठे गद्दी पे, जो कि कुछ ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाए, क्योंकि जो शहाबुद्दीन थे जो कि अलाउद्दीन के 16वें बेटे थे, उन्होंने उसे हटा दिया। फिर शहाबुद्दीन के बाद उनकी जगह ले ली कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, ठीक है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को हराया नसरुद्दीन शाह ने, ठीक है। और जो नसरुद्दीन शाह थे उनकी जो हत्या कर दी गाजी मलिक ने, और गाजी मलिक के साथ ही तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो खलजी डायनेस्टी थी उसके आखिरी जो शासक थे वो थे नसरुद्दीन शाह। उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी।
तो आपको इसके स्टार्टिंग और एंड के राजा पता लग गया ना, ये आपको जरूर याद रखना है, जलाउद्दीन खिलजी और एंड के हैं नसरुद्दीन शाह। फिर आती है आपके तुगलक डायनेस्टी। देखिए तुगलक डायनेस्टी, इसका जो समय था ये 1320 से 1414 AD तक रहा। जैसे कि आपको लास्ट में मैंने बताया कि जो नसरुद्दीन शाह थे, जो आखिरी खिलजी डायनेस्टी के शासक थे, उनकी हत्या गाजी मलिक ने कर दी। तो गाजी मलिक ही गियासुद्दीन तुगलक है जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन की। इन्हें गाजी भी कहा जाता है, या इन्होंने गाजी का टाइटल लिया। गाजी का मतलब होता है स्लेयर ऑफ इन्फिडल, जो कि मतलब है कि अपने दुश्मनों को मारने वाला। गियासुद्दीन तुगलक ने भी अलाउद्दीन खिलजी की जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज थी उन्हें यूज की, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे इन्होंने कैनल्स वगैरह बनाए जहां से पानी जा सके। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किया जिसे बटाई के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट करवाई। गियासुद्दीन तुगलक ने एक नया शहर बनाया तुगलकाबाद। तो अगर पूछा जाए कि तुगलकाबाद किस ने बनाया, तो आपका नाम, आपका उत्तर होना चाहिए गियासुद्दीन तुगलक। इनकी जो मृत्यु थी वो 1325 AD में हुई। ये एक जगह से गिर के मर गए थे। गियासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हिस्ट्री में एक सनकी राजा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो देखा जाता है तो काफी सक्सेसफुल बना सकती थी उन्हें, पर कुछ कंडीशन उनके खिलाफ रही, या कुछ उनकी किस्मत भी कह सकते हैं कि वो जो उनके फैसले थे वो एकदम ही उल्टे पड़ गए। तो चलिए मोहम्मद बिन तुगलक को स्टडी करते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो असली नाम था वो था जौना खान, ठीक है, और जब उन्होंने गद्दी पे बैठे तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ली। तो देखिए वो ना एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग थे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और काफी इनके टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत बहुत पीक पे भी पहुंची। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो अपने आप में बहुत ही ज्ञान वाले व्यक्ति थे। देखिए इन्हें अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, इन्हें एस्ट्रोनॉमी आती थी, फिलोसफी आती थी, मैथ आती थी, मेडिसिन आती है। तो आपको पता लगता है कि अपने आप में ही एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये कैलीग्राफी में बहुत प्रोफिशिएंट थे। कैलीग्राफी मतलब इन्हें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग बनानी आती थी या लिखनी आती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में, ये कौन कैलीग्राफी में प्रोफिशिएंट था, आप लाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। इबन बतूता, आपने इनका नाम सुना होगा, ये एक मोरक्को से ट्रेवलर थे जो पूरे विश्व में घूमे थे। तो ये भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। ओके जैसे कि फिर मैंने यहाँ लिखा है कि उन्होंने अपना मतलब बहुत अच्छा इन्होंने दिमाग लगाया था सक्सेस पाने के लिए, लेकिन कुछ जो इनके प्लान थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो अब हम उनको देखेंगे उन्होंने क्या क्या ऐसे ऐसे काम किए। देखिए ये उनके पांच ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देखिए एक तो उन्होंने टैक्सेशन दोब में लगा दिया। दोब क्या था, जो गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका था ना, वहां पर इन्होंने टैक्सेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि इन्हें दिखा कि वहां पर बहुत ही समृद्ध लोग हैं। तो इन्होंने वहां पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से वहां के लोग थोड़े इनके अगेंस्ट हो गए। ये एक इनका ये फैसला बड़ा लोगों को हैरान करता है कि इन्होंने जो कैपिटल थी अपने दिल्ली से देवगिरी, बाद में इन्होंने देवगिरी को दौलताबाद कर दिया जो कि आपका महाराष्ट्र में है, इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से महाराष्ट्र शिफ्ट कर दी। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमें मुझे डेक्कन जो कि महाराष्ट्र के पास के राज्यों को कंट्रोल करना है तो मुझे वहां पर होना चाहिए। लेकिन जब वो दौलताबाद पहुंचे तो एक तो वहां पानी की कमी थी, दूसरे बात उन्हें क्या लगा कि जैसे वो दिल्ली से महाराष्ट्र का एरिया कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही वो महाराष्ट्र से दिल्ली का कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन्होंने कैपिटल दो बार कन्वर्ट की, जिसमें इन्हें बहुत ही आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। अब एक इनकी पॉलिसी थी कि इन्होंने एक टोकन करेंसी का मतलब चीज स्टार्ट कर दी। देखिए टोकन करेंसी कैसे, जैसे अभी हम इंडिया में देखते हैं ना कि 10 रुपए का या 2000 रुपए का नोट है। अब एक्चुअली देखिए तो उस नोट की खुद की वैल्यू इतनी नहीं है, वो एक टोकन बनी है ना। तो इन्होंने ये टोकन बनी का जो तरीका था ये उस टाइम स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रॉन्ज के टोकन मनी स्टार्ट कर दिए। मान लो उससे पहले वहां पर सोने के सिक्के होते हैं, अब सोने की कीमत ही इतनी है, तो अगर एक सोने का कीमत 10,000 होगा तो वो उस सोने की कीमत है 10 रुपए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रॉन्ज के सिक्के निकाले और बोला कि इसकी कीमत 10,000 रुपए है। तो लोगों ने क्या किया कि ब्रॉन्ज इजिली अवेलेबल होता है, तो लोगों ने जाली ब्रॉन्ज कॉइन बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये पहला
पता लगता है कि जो इनका सोच थी अच्छी थी, मॉडर्न सोच थी, लेकिन उस टाइम के लोगों ने शायद उसे सक्सेसफुल नहीं होने दिया। फिर इन्होंने दो बहुत ही खराब एक्सपेडिशन किए। एक तो इन्होंने खुरसान एक्सपेडिशन किया, जहां पर इन्होंने सोचा था कि ये पूरे इराक तक हम जीत मुझे जीत हासिल करनी है। तो इन्होंने एक खुरसान और एक करचिल, करचिल वाले में इन्होंने चाइना वाले जो इन्वेडर थे उन्हें रोकने के लिए एक एक्सपीडिशन चालू किया। तो इन दो एक्सपीडिशन में ना इन्हें बहुत आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। तो ये जो एक्सपीडिशन थे ये मुख्यतः इसलिए थे क्योंकि ये विश्व विजय करना चाहते थे, लेकिन उसका इन्हें हर्जाना भी चुकाना पड़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत एम्बिशियस राजा थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक थे वो उस वक्त आए जब दिल्ली सल्तनत बिखर रही थी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के अंत आते आते वो इतने युद्धों में व्यस्त हो गए थे कि वो आर्थिक रूप से दिल्ली सल्तनत सफर करने लगी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी किया। देखिए, इक्ता सिस्टम जो था वो टैक्स कलेक्शन का था। तो इन्होंने हेरिडेटरी करने का मतलब क्या होता है कि अगर उस वक्त कोई जमींदार वो टैक्स ले रहा होगा तो उसका बेटा भी उस टैक्स को आगे से कलेक्ट कर सकता है। देखिए, इन्होंने इरिगेशन के क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे काम किए। इन्होंने भी कैनल्स वगैरह बनवाए। इन्होंने कुछ शहर, नए नए शहर बनवाए, जैसे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, ठीक है, और फिरोजाबाद। उसके बाद ये अशोक के दो पिलर लेके आए, एक तो टोपड़ा से और एक मेरठ से, ठीक है। उसके बाद एक बार कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी और जब कुतुब मीनार उससे टूट गया तो उसकी रिपेयरिंग करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने भी एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया, दीवाने खैरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता था, गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दीवाने खैरात किसने चालू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। उन्होंने जजिया, जजिया एक धर्म के नाम पे कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स था, उन्होंने इसको अलग किया और इन्होंने इस जजिया टैक्स को ब्राह्मण्स पे भी लगाया। शायद पहले ब्राह्मण्स पे जजिया नहीं लगता था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने जजिया टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम लोगों पे लगता था वो ब्राह्मण्स पे भी लगवाया। देखिए, फिरोज शाह तुगलक अपने आप में बहुत ही अच्छे शासक थे और इसीलिए इन्हें अकबर ऑफ सल्तनत कहा जाता है, जो कि इन्हें एलियट ने कहा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ऑफ सल्तनत किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर लगाना है एलियट। नहीं, अकबर ऑफ सल्तनत किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है, और किसने कहा, एलियट ने। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद देखिए कुछ कमजोर कमजोर तुगलक शासक आए, फिरोज शाह तुगलक, जैसे उसमें गियासुद्दीन तुगलक शाह वन और अबुल बकर शाह। ये तो जो अबुल बकर शाह है उन्होंने इन सबको हराया। उसके बाद इसी वक्त में तिमूर, जो एक मंगोल इन्वेडर थे, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, ठीक है, और उन्होंने यहां पर बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत लूटपाट मचाई और बहुत ही यहां पर हत्याएं की। तो जब तिमूर ने भारत पे आक्रमण किया और जब वो यहाँ पर जीत गए, तो उन्होंने भारत में जाते जाते जो पंजाब के शासक थे खिजर खान, उसे भारत के तख्त पे बिठाया। ओके, तो अगर आप पूछें कि तुगलक के बाद जो डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी, उसके जो शासक थे खिजर खान, उसको किसने भारत पे राजगद्दी पे बिठाया, तो वो थे तिमूर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो खिजर खान थे वो तिमूर के ही एक बिठाए हुए एक शासक थे। तो वो जब इस गद्दी पे बैठे तो वहीं से सैयद डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। तो ये इसका ड्यूरेशन है 1414 टू 1451। उन्होंने क्या किया था, देखिए, सबसे पहले तो आपको जैसे कि पता है कि तिमूर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो वो आक्रमण में जो सबसे बड़ा उनके सपोर्टर थे वो थे खिजर खान, ठीक है, और इन्होंने राय-ए-इलाही का टाइटल लिया। उसके बाद खिजर खान के बाद देखिए कुछ कमजोर कमजोर शासक आए, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको खिजर खान इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट शासक थे सैयद डायनेस्टी के और लास्ट जो शासक थे वो थे आलम शाह। ये दो इंपॉर्टेंट है, खिजर शाह, खिजर खान और आलम शाह। जो आलम शाह थे ना, उनको किसने हराया, उनको हराया बहलोल लोडी ने, और बहलोल लोडी के साथ ही लोडी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। फिर है आपकी लोदी डायनेस्टी। देखिए, लोदी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ये थे बहलोल लोदी।
ये एक अफगान सरदार थे जो सैयद डायनेस्टी के आखिरी शासक को हराकर भारत की राजगद्दी पे बैठे। बहलोल लोधी के बाद जो दूसरे शासक थे वो थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी दरअसल बहलोल लोधी के ही बेटे थे। सिकंदर लोधी ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, देखिए, इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट की और वहीं पर इन्होंने आगरा सिटी की नींव रखी। तो अगर आपसे पूछा जाए एसएससी के एग्जाम में कि किस शासक ने आगरा सिटी को बनाया, तो आप आंसर लगाएंगे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी देखिए एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक थे और इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल जो कि नगरकोट में है वहां पर इन्होंने मतलब आप तोड़फोड़ मचाई और इन्होंने बहुत सारे मथुरा के मंदिरों को भी तोड़ा। ओके, उसके बाद देखिए ये बहुत इंटरेस्ट लेते थे एग्रीकल्चर में, बहुत इंटरेस्ट लेते थे और इन्होंने गाजे सिकंदरी करके एक डिपार्टमेंट भी बनाया था। फिर आते हैं आपके इब्राहिम लोदी। देखिए इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के भी आखिरी शासक थे। जो इब्राहिम लोदी थे वो दरअसल सिकंदर लोदी के ही बेटे थे। दरअसल जो इब्राहिम लोदी या लोदी डायनेस्टी का जो अंत हुआ उसका एक कारण ये था कि जो इब्राहिम लोदी थे उन्होंने अपने सुल्तान की पावर को बहुत मतलब पावरफुल तरीके से लोगों पे लागू करवाया, जिसकी वजह से जो उनके ही मंत्री वगैरह थे वो इनके खिलाफ हो गए और उन्हीं में से एक थे दौलत खान लोदी जो कि उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे। तो उन्होंने इब्राहिम लोदी से तंग आकर इन्होंने बाबर को न्योता दिया कि आप आइए और इब्राहिम लोदी से लड़िए और उन्हें हराइए। और यही और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल शासकों की शुरुआत हुई। वो जो युद्ध था वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई थी, ठीक है, किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, इब्राहिम लोदी एंड बाबर, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और उसी के साथ जो सल्तनत काल था वो समाप्त हुआ और इसके बाद आएगा मुगल काल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसके कॉन्फिडेंटली करेंगे और आप इस चैप्टर से तो अब आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।